अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीलम, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट वन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज। इफ इट इज़ डिस्क्राइब्ड द फिजिकल चेंज लाइक फ्रीजिंग कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, कंडीशन अंडर विच फ्रीजिंग अकर इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। मीन कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम ये इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास जो है अगर फिजिकल चेंज आ रहा है, ठीक है, लाइक फ्रीजिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल पॉइंट प्रॉपर्टीज़। मीन कि अगर आप देखें ना, हमारे पास क्या है, लिक्विड है, वाटर है, हम उसको क्या करते हैं, फ्रीज करवाते हैं, हम उसका टेम्परेचर बहुत लो कर देते हैं। जब टेम्परेचर लो कर देते हैं तो वो देखने में हमें पता चल रहा है कि वो लिक्विड थी और लिक्विड के बाद वो किस में चेंज हो गया, सॉलिड में, तो वो फिज़िकल है, उसकी अपेरेंस में चेंज आया, वो दिखने में चेंज लग रही है कि लिक्विड थी और वो किस में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड में। इसलिए हम यहाँ पे करेंगे कि अंडर कंडीशन, कंडीशन अंडर विच फ्रीजिंग अकर, कि वो कंडीशन जहाँ पर वो फ्रीज हो जाता है उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। कंडीशन अंडर विच बॉइलिंग इज अकर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी तरह से अगर लिक्विड को हम बॉयल करें, जिस पॉइंट पे जब जाके वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सिमिलरली इफ़ द कंडीशन डिस्क्राइब द केमिकल चेंज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह से हमारे पास अगर कुछ जो कंडीशंस हैं वो उसकी केमिकल चेंजेस को शो करें तो हम उसको बोलेंगे ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास चेंजेस। इफ़ दिस चेंज इज टेम्परेरी कॉल्ड फिजिकल चेंज, लाइक फ्रीजिंग फ्राम लिक्विड टू सॉलिड एंड बॉइलिंग फ्राम लिक्विड टू गैस। इफ़ दिस चेंज इज़ परमानेंट कॉल्ड केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वुड आर रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह। अब देखिए बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि अगर हमारे पास टेम्परेरी चेंज आए कुछ लम्हे के लिए आर्जी तौर पर, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे हम क्या करते हैं, लिक्विड को लेते हैं, फ्रीज करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में, ठीक है। तो अब देखें, आप उसको टेम्परेचर उसका दोबारा उसका हाई कर दें, उतना टेम्परेचर उसको प्रोवाइड ना करें, तो लिक्विड सॉलिड दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। सेम ऐसे ही आप हीट देते चले जाएं, देते चले जाएं, तो लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में, ठीक है। आप हीट ना दें, गैस दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो इसका टेम्परेरी चेंज है आरजी तौर पर, ये हमारे पास फिज़िकल चेंज आता है, उसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। और अगर परमानेंट चेंज आ जाए, ठीक है, परमानेंट चेंज आ रहे थे, उसको हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, लाइक बर्निंग ऑफ वुड के। अगर हम लकड़ी को जलाते हैं, जब लकड़ी जल जाती है तो कोयला बन जाता है, कोयला दोबारा लकड़ी तो नहीं बनाता, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ वुड जो आई हमारे पास एग्जांपल किसकी आ गई, केमिकल चेंज की। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जो जंग लगता है, वो भी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास साइंटिफिक मैथड है। केमिस्ट्री इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट, देयर फॉर साइंटिस्ट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू स्टडी एंड मटीरियल थिंग्स। केमिस्ट्री जो है एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, इसलिए साइंटिफिक क्या करते हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट स्टेप को स्टडी करते हैं। लाइक फर्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन टू स्टडी मैटर, कि वो क्या करते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करके, कहीं पे टेम्परेचर कम करके, कहीं पे ज़्यादा करके, कहीं पे कैटलिस्ट प्रोवाइड करके, कहीं पे कैटलिस्ट को प्रोवाइड नहीं करते, कहीं पे हवा की मौजूदगी में करवाते हैं कोई रिएक्शन, कोई हवा की गैर मौजूदगी में करवाते, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह से वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस। उसके बाद फिर वो क्या करवाते हैं, ऑब्जर्वेशन। ही ऑब्जर्व दैट व्हाट एक्चुअली टेक प्लेस इन द एक्सपेरिमेंट। फिर वो देखते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए हैं साइंटिस्ट ने, वो डिफरेंट कंडीशन प्रोवाइड करके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उनका रिजल्ट क्या आया, उस रिजल्ट को फिर वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है कि जब वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं उनके जो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आए हैं, उनका डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन ही कलेक्ट डाटा। फिर वो क्या करते हैं, उस सारे को क्विक कलेक्शन करते हैं, कलेक्ट करते हैं उसको। फिर नेक्स्ट लास्ट पे वो स्टेप आता है प्रेजेंटेशन, टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द डाटा, इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक लैंग्वेज लाइक सिंबल, केमिकल फार्मूला एंड इक्वेशन वगैरह, कि
पहले क्या करते हैं, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उनको कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, कुछ साइंटिफिक वे से उसको परफॉर्म करते हैं, लाइक सिंबल से, किसी भी केमिकल फार्मूला से या केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, जब वो कर लेते हैं प्रेजेंटेशन, फिर उसकी क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। द साइंटिस्ट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व फैक्ट ऑन दिस बेसिस ऑफ थेरीज, फिर वो देखते हैं कि कितनी थेरीज के अकॉर्डिंग किस तरह से वो अप्लीकेबल है, फिर वो नेक्स्ट किस में कन्वर्ट होता है, लॉ में जाता है। द साइंटिस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ थेरीज एंड लॉ एंड ऑलरेडी प्रेजेंटेड, मतलब वो थेरी और लॉ के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर तो उनको ओबे कर जाए तो वो पास हो जाते हैं, लाज बन जाते हैं, अगर नहीं हो तो वो थेरी रह जाते हैं। नेक्स्ट फिर आते हैं हमारे पास मैटर। एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मैस इज कॉल्ड मैटर। केमिस्ट्री में जो हम सबसे बड़ी बात को, एक कोई जो हम स्टडी करते रहते हैं वो है हमारे पास मैटर। तो उसने कहा है कि मैटर क्या है, वो कोई भी चीज़ है जो जगह घेरती है और इसका मैस, उसको हम बोलते हैं मैटर। पॉइंट वन है, इफ़ ऑल द एटम्स ऑफ मैटर आर ऑफ द सेम काइंड केमिकली आइडेंटिकल कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट की डेफिनेशन है, इफ़ ऑल द एटम्स ऑफ मैटर, सारे के सारे एटम्स किसी भी मैटर के अगर वो सेम काइंड के हैं, ठीक है, केमिकली वो आइडेंटिकल हैं, केमिकली वो एक जैसे हैं, हम उसको बोलेंगे एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। यूनिवर्स में ये जितनी भी इस तरह की हाइड्रोजन है ना, वो सारी की सारी क्या हैं, एलिमेंट हैं। लेकिन अगर मैं उन सब में से इस एक हाइड्रोजन को स्टडी कर रही हूँ ना, तो ये मेरे पास क्या है, उसका एटम है। ठीक है, तो ये अब ये ऑल काइंड ऑफ एटम्स, इफ़ ऑल एटम्स ऑफ मैटर सेम काइंड, ठीक है, कि अब जितना भी एक मैटर का पीस बना हुआ ना, ये अब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो सारे के सारे क्या हैं, सेम है, तो वो क्या है, एलिमेंट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन एंड मर्करी। If matter is made from two or more than two elements in fixed mass ratio is called compound, water and sugar. अब उसने यहाँ पर नई बात की है, उसने कहा है कि एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, मर्करी है, ठीक है। फिर उसने कहा कि इफ मैटर इज मेड फ्राम टू आर मोर दैन टू एलिमेंट्स, कि अगर वही मैटर, पहले हमने कहा है कि सेम काइंड के होंगे, एक ही होंगे, अब उसने कहा कि अगर वो एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने, उनकी जो मैस की रेशियो है वो क्या हो, फिक्स हो, तो हम उसको नाम दे देते हैं कंपाउंड, लाइक वाटर एंड शुगर वगैरह। ठीक है, फिर इसी तरह से है कि अगर हमारे पास टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स हो, कंपाउंड बनाएं, कंबाइन टूगेदर विदाउट एनी चेंज या फिक्स रेशियो, अगर फिक्स रेशियो है तो कंपाउंड, अगर रेशियो फिक्स नहीं है तो वो मिक्सचर है। ये बात याद रखिएगा, इफ़ टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स कंबाइंड टूगेदर विदाउट केमिकल चेंज, कि अगर विदाउट केमिकली चेंज हमारे पास आए तो वो क्या है, मिक्सर, लाइक शुगर इन वाटर एंड अलाइव एंड एयर। लेकिन अगर फिक्स्ड रेशियो हो और केमिकली क्या हो, चेंज भी ना आए, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रेशियो फिक्स हो तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। लेकिन अगर विदाउट केमिकल चेंज आ रहे तो उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। नेक्स्ट है, मैस एंड वेट में डिफरेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मैस क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैस। क्वांटिटी अमाउंट है मैटर की, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैस। इट इज़ द फोर्स दैट ग्रेविटी एग्जर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है, जो कशिश शक्ल है, जो ज़मीन की कशिश है, वो जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है, वेट है। मैस इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी, मैस इज कांस्टेंट क्वांटिटी एंड वेट कैन बी चेंज विद लैटिट्यूड, जिस जैसे बुलंदी पे जाएंगे उसका वेट क्या होगा, चेंज होता जाएगा। द यूनिट ऑफ मैस इन किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून इज सिक्स टाइम लेस देन दैट ऑन द अर्थ। वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून is six time less than on the earth, measured by mass, measured by analytical balance,
और वेट जो है यूनिट इज न्यूटन, डाइनी मेयर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। मैस की क्वेश्चन है एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी और वेट की क्वेश्चन डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। मैस कैन नॉट बी ज़ीरो एंड वेट इट कैन बी ज़ीरो इन स्पेस। जो मैस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, लेकिन जो वेट है वो स्पेस में क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब एटम के बारे में बताया गया कि हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, एलिमेंट का, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। एटम मे आर मे नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। एटम ऑफ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर वाइल अदर कैन नॉट। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं कि जो एटम्स हैं वो मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नहीं भी करते। लाइक नोबल गैसेज जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बाकी एग्जिस्ट नहीं करते। एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, एटम सिर्फ एक न्यूक्लियस पे मिल के बनता है। एज एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर देयर फॉर इट हैज़ मैस। एटम जो है बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर के, इसलिए इसका क्या होता है, स्पेसिफिक मैस होता है। एटम ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्राम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। एटम ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट, एक एलिमेंट जो है ना, एटम जो है एक एलिमेंट का वो डिफरेंट होता है बाकी दूसरे एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स से। द मैस ऑफ एटम इज डिटरमिन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमीटर। एटम का मैस किस तरह से मेयर कर सकते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीटर से। एटॉमिक मैस वाज फर्स्ट डिटरमिन्ड बाय अ स्वीडिश केमिस्ट बर्जीलियस। एटॉमिक मैस सबसे पहले किसने किया था, एक स्वीडिश केमिस्ट था जे बर्जीलियस, उसने मेयर किया था। ये आपका MCQ भी है। एटॉमिक मैस इज डिटरमिन्ड इन यूनिट कॉल्ड एटॉमिक मैस यूनिट AMU। ठीक है, एटॉमिक मैस का जो यूनिट है वो AMU है, एटॉमिक मैस यूनिट। मैस ऑफ एटम रेंज फ्राम 10^-27 टू 10^-25 kg। MCQs है। देर आर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम्स बट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर द मोर इम्पोर्टेंट। उसने कहा है कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल जो वो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें जो ज़्यादातर हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन फुल स्टॉप मे कंटेन 2 million एटम प्रेजेंट इन इट। उसने कहा है कि एक फुल स्टॉप ये जो लगाते हैं इसके अंदर 2 million एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूस इमेज ऑफ इंडिविजुअल एटम एंड मालिक्यूल। जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है उसने हमें इमेज बताई है इंडिविजुअल एटम की और मालिक्यूल की। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय डाल्टन इन 1808। पहली एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दी थी, जॉन डाल्टन ने 1808 में। द नेम एटम वाज फर्स्ट यूज इन डेमोक्रेटिस्ट। द नेम एटम वाज फर्स्ट यूज बाय डेमोक्रेटस ने सबसे पहले एटम का नाम दिया था एटम। नेक्स्ट है मालिक्यूल। मालिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज़। मालिक्यूल सेम सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। दिस मालिक्यूल्स हैव एम्प्टी स्पेस इन दैम विच इज़ मैक्सिमम इन गैस एंड मिनिमम इन सॉलिड। द मालिक्यूल हैव एम्प्टी स्पेसिस। मालिक्यूल्स के अंदर क्या आती है, एम्प्टी स्पेसिस इन दैम विच इज़ मैक्सिमम इन गैस एंड मिनिमम इन सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाय AMU। मॉलिक्यूल हैविंग टू सिमिलर एटम इन कॉल होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर हैविंग टू डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कंटेनिंग मोर देन टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड पोलीटॉमिक। मतलब यहाँ पे इसकी टाइप्स आ गए कि अगर एक होगा तो मोनो, दो होगा तो डाई, अगर मोर देन टू हो जाएगा तो उसको नाम दे दिया उसने पोली, पोलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड। एटम जो है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है,
लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट का या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। इट कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। एटम जो है नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मॉलिक्यूल जो है फ्रीली एग्जिस्ट करता है। इट कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर एटम, इट कंटेन ऑफ वन न्यूक्लियस एंड मॉलिक्यूल, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस एक्सेप्ट मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक के अलावा बाकी सब में इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। एटम इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एंड मॉलिक्यूल इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। एटम इट गिव लाइन स्पेक्ट्रम एंड मॉलिक्यूल इट गिव बैंड स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया, होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। बड़ी बेसिक सी बातें बताई हैं, एटम में मॉलिक्यूल में डिफरेंस आ गया, एलिमेंट और एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कंपाउंड क्या है, मिक्सर क्या है, मैटर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये बड़ी बेसिक सी टर्म्स हैं, ठीक है। साइंटिफिक मेथड में क्या क्या यूज़ किया जाता है, पहले एक्सपेरिमेंट होता है, फिर ऑब्जर्वेशन होती है, फिर कलेक्शन होती है, ऐसा ही है ना, फिर प्रेजेंटेशन होती है, फिर इंटरप्रिटेशन होती है, मतलब ये सारी बेसिक बातें आपसे डिस्कस की हैं। केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले, केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले आपको इन बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।